कीप वॉचिंग INN24। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। नमस्कार, मैं हूं अशर खान INN24 में और मेरे साथ है निकिता और करण, बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर्स। तो जानते हैं इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें, तो आई स्टार्ट ऑफ विद निकिता। एज यूजुअल, सो निकिता, आई कांट स्टॉप टॉकिंग, आई लव टॉकिंग। So it's been a long journey so far, so yes, good, yes. And you have बहुत सारा fan base है, बहुत सारी crazy followings है, तो एक छोटा सा एक बताइए कि कैसी रही है journey throughout? See, it was not easy. जब मैं बम्बई आई थी तो मुझे acting का AB नहीं आता था, but हाँ मुझे fashion का बहुत शौक था, makeup, fashion, dresses, सिर्फ उतना ही आता था, पर life क्या होती है, acting क्या होती है, camera क्या होता है, lighting क्या होती है, कुछ नहीं पता था। तो हर एक चीज़ अगर आपको धीरे धीरे समझ में आती है, आप किसी चीज़ को बहुत धीरे धीरे सलीके से आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी और बेहतरीन हो जाती है। तो मैंने सिर्फ एक्टिंग ही एक्सप्लोर नहीं की, मैंने आई थिंक ज़िंदगी एक्सप्लोर की, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, तो बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र था, सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं अपने साथ भी। तो हाँ, बहुत ही बेहतरीन रहा। और ये जो फैन बेस आप बोल रहे हो, आई थिंक आई एम सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि आई थिंक ये जो फैन है जो मुझे मोटिवेट करते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो यस, आई लव यू गाइज एंड कीप लविंग मी। दैट्स अमेजिंग। कुछ कनन भाई, यू वांट टू से समथिंग अबाउट लाइक योर जर्नी? इट्स बीन लाइक यू नो about your, and I also want to know about your fitness, you know, this, like, oh, what exactly God, is it? अरे ये actually एक मिनट, ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझसे सवाल पूछा। पहली बार 11 सालों में किसी ने मुझसे बात बोली है कि एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, तुम पे भी आ रहा हूँ। किसी ने मुझसे 11 सालों में पहली बार ये सवाल किया कि मेरे फिटनेस क्या, मैं कैसे फिट हूँ। थैंक यू यार, एंड ये श्रेय सच्ची में निकिता को जाता है, बिकॉज मैं महाकाली जब करता था निकिता के साथ, बस हो गया, पीछे हो जाता, जब मैं महाकाली करता था निकिता के साथ तो मैं आई वॉज वेरी फैट, मैं बहुत मोटा था महाकाली में। आप जब भी एपिसोड लगा के देखेंगे तो आपको दिखेगा, आई वॉज 90 इन महाकाली, एंड मैं विष्णु प्ले करता था, तो उसमें कपड़े खुले होते थे और पता नहीं चलता था इतना। तो एक दिन ये आई और मुझे आज भी याद है, वैनिटी के दरवाजे पर खड़ी थी और मैं नीचे खड़ा था, एंड मैंने सैंडोज पहन रखी थी, शेड्स लगा रखे थे और मेरा पेट यूं निकला हुआ था। हाँ, शी हैव वीडियो ऑल्सो, एंड इसे कह रहे मोटे, ये क्या है? देन आई रियलाइज कि अरे यार सच में मैं बहुत मोटा हूँ, एंड इसने मुझे बहुत पुश किया है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि निकिता ने मुझे बहुत पुश किया है। और रही बात मेरे इंडस्ट्री में, इट्स बीन 11 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री, एंड काफ़ी लंबी जर्नी रही, सब अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत मज़ा आया। मेरे फादर ने मुझे इंडस्ट्री में सिर्फ एक साल के लिए भेजा था और उन्होंने मुझे दिल्ली से बोला था कि 365 डेज, मतलब 365 दिन, 364 डेज नहीं होने दूंगा अगर कुछ नहीं किया। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, पेरेंट्स का आशीर्वाद, सबका प्यार, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के बीच में, मेरे फैंस जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सराहाया, मुझे हर बार मेरे साथ, मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े रहे। तो ये मेरा जर्नी है इन शॉर्ट। और बहुत सारे हम नमूने देखते हैं, फाइट्स हो रही है इंडस्ट्री में, ये हो रही है, बट आप दोनों की दोस्ती मतलब एक नेक्स्ट लेवल है, तो इसके पीछे का राज क्या है? मतलब आई थिंक कुछ लोगों का ना मिलना ऐसा, कई लोगों से आप मिलते हैं, आपको लगता है ठीक है मिल लिए, पर कई लोगों से आप मिलते हैं और आपको लगता है कि कुछ लोगों का मिलना आपसे लिखा था, शायद कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए। तो हम एक दूसरे से सिर्फ, हम दोनों एक दूसरे से इतना कुछ सीखते हैं कि हमें अभी 2 साल हो गए हैं एक साथ, बट हम हर रोज कुछ नया एक दूसरे से सीख रहे होते हैं और एक बहुत ही ज्यादा कंफर्ट एंड एक ऐसी बॉन्डिंग है जो बहुत रेयर मिलती है। तो ही इज जस्ट नॉट एन एक्टर, ही इज जस्ट नॉट अ फ्रेंड, ही इज अ फैमिली टू मी, समबडी जिसको मैं बॉम्बे में हम अकेले रहते हैं तो ऑब्वियसली आप भी रहते हैं तो आप फैमिली ढूंढते हैं। तो कर्नन, अगर मैं बोलूं तो इंडस्ट्री में, ही इज नॉट अ इंडस्ट्री फॉर मी, इज अ फैमिली फॉर मी। नहीं, एक्चुअली बिल्कुल, मैं और निकिता जब मिले थे तो हमें नहीं पता था कि हम लोग इतने अच्छे और इतने बेहतरीन दोस्त बन जाएंगे, और एक दूसरे का सपोर्ट इतना है हम दोनों को कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट बन के, कभी भी हम दोनों को एक दूसरे की या हमारी फैमिली को एक दूसरे की जरूरत पड़ जाए तो हम सेकंड थॉट देते ही नहीं है। इट्स जस्ट कि लेट्स गो, कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, तो ये ब्लेस हैं हम कि मुझे एक ऐसा दोस्त मिला और एक ऐसा इंसान मिला जो दिल का बहुत अच्छा है, दिल का बहुत सच्चा है। सो इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, पर आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, नॉट टू हर, उन्होंने मुझे इससे मिलवाया, तो थैंक यू सो मच। ओके, वन लास्ट थिंग,
यू नो बहुत सारे लोग आप लोग को देख रहे हैं और एवरीवन वांट्स टू नो दैट वन रीजन दैट यू शुड स्टिक टू एक एक्टर बनने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग आर्टिस्ट बनने के लिए आते हैं, वन एडवाइस टू ऑल द अपकमिंग यू नो आर्टिस्ट्स आउट देयर। आई थिंक नॉट ओनली एक्टिंग, आप इस दुनिया में कोई भी चीज करना चाहे ना तो एक चीज चाहिए होती है, चाहे वो कोई एक्टिंग हो, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, दैट इज पैशन। अगर अपने पैशन को फॉलो करते हो, चाहे वो आपके घर वालों के साथ हो, आपको किसी काम के लिए हो, किसी चीज के लिए हो, कुछ बनना चाहते हो या किसी के साथ कुछ भी हो, इट्स ऑल अबाउट पैशन। अगर अपने पैशन को फॉलो करते हो ना, आपका दिल में जो है आप उसको यहाँ और यहाँ से फॉलो करते हो, तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। और आई स्टिल बिलीव दैट, तो मैं हर चीज यहाँ से करती हूँ, यहाँ थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा कम है, बट यहाँ से करती हूँ, इससे सच्चे मन से जहाँ राह लेके जा रही है वो अच्छी और सच्ची है आज तक। निकिता ने बोला पैशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल सही बोला, पैशन बहुत ज़रूरी है। पर मैं एक चीज़ और मानता हूँ, आपकी तकदीर और लक भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में। आपकी तकदीर आपको लेके जाएगी तो आप अपने आप उस जगह पर पहुँचते जाओगे जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। तो पैशन, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, मतलब हर चीज़ मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। चाय भी बिना पत्ती, बिना शक्कर, बिना दूध के नहीं बनती, तो हर चीज़ का मिलन बहुत ज़रूरी है। और जब तक इंसान अपनी डेडिकेशन नहीं छोड़ता, तब तक वो कभी नहीं हारेगा, एंड दैट्स ट्रू। तो जिसको भी जो भी करना है लाइफ में, नॉट एक्टर और डायरेक्टर और कुछ, जो भी फील्ड में जो भी करना चाहता है, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर थिंग्स। ओके, सो वी विल एंड दिस कन्वर्सेशन ऑन वन नोट। आई हैव बीन विद यू गाइस ऑन अ शो, अभी नॉट एंड। आई वांट टू थैंक हमारे IN24 से जिन्होंने मिलवाया है, आसिफ खान जी एंड तमन्ना इवेंट्स, जिनकी वजह से आप मुझे आई थिंक हर महीने नागपुर में देखते हो। दैट इज ऑल थैंक्स टू तमन्ना इवेंट्स। इट्स बीन 7 years तमन्ना इवेंट्स को, और मेरे नागपुर के जितने इवेंट्स हैं वो मैंने तमन्ना इवेंट्स को किए हैं। तो मैं तहे दिल से आसिफ खान जी को और तमन्ना इवेंट्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे नागपुर लेके आया, मुझे IN24 से मिलवाया। थैंक यू आसिफ खान जी, थैंक यू तमन्ना इवेंट्स। एंड आल्सो आसिफ खान जी यहीं हैं और बहुत शर्मा रहे हैं। और आसिफ खान जी का यहाँ ना बिल्कुल बन गया है। आसिफ भाई, ये वो इंसान है जिन्होंने मुझे नागपुर की जनता, आम आवाम से मिलवाया है। तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ मिस्टर आसिफ खान। आसिफ खान जी से मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। Say something about like your two favorites are here. नहीं, जैसे मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था कि अच्छे लोगों को मिलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन जब मिल जाते हैं तो बहुत वक्त तक साथ में रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, यही होता कि मैं ये लोगों से, दोनों से ऐसा एज आर्टिस्ट नहीं मिला कि ये लोग मेरे लिए आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। और इनका आर्ट तो दुनिया पसंद करती है, तो मुझे दिखाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। और वो तो सिर्फ नागपुर की बात क्या है, इंडिया में जहाँ जहाँ मुझे ऐसा चांस मिलेगा मैं हर जगह इनको शो किया। आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक शायरी बोलो, आपने कभी नहीं बोली, आज मैं चाहती हूँ आपके लिए स्पेशल डिमांड पे, स्पेशल डिमांड पे, तमन्ना इवेंट्स की तरफ से एक्सक्लूसिव एक्टर के लिए एक स्पेशल। बहुत खूबसूरत हो तुम, स्पेशली निकिता जी की तारीफ में, कि बहुत खूबसूरत हो तुम, है चेहरा तुम्हारा जैसे दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा, गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब्हे तुम्हारे ये खिलता चमन है, बिखेरो जो जुल्फे तो शर्माए बादल, यासिफ भी देखे तो हो जाए पागल, वो प्यारी सी मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अरे वाह, वाह वाह वाह, उसका दिन बन गए, ये रात को इसको नींद नहीं आने वाली, ये पता नहीं क्या हो गया इसके साथ आज, कमाल हो गया। यू नीड टू गो टू माय इंस्टा पेज एंड फेसबुक प्रोफाइल, सो व्हाट। एंड हमारे सलीम भाई का आज बर्थडे है, सो आई रियली वांट टू विश हिम हैप्पी बर्थडे। कि आज सलीम जी के लिए एक बात तो मुझे ये पता है कि पूरा महाराष्ट्र और MP के हेड हैं वो IN24 के, या ये कहें कि जान हैं, और आज उनका बर्थडे, तो उनके लिए मैं दुआ भी देना चाहूँगा और एक शायरी उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि तकदीर और बुलंदी के सारे मंजर लिख दे, तकदीर और बुलंदी के सारे मंजर लिख दे, लिखे जब भी किस्मत तो आपको सिकंदर लिख दे, और आज के दिन आपके लिए दिल से बस यही दुआ कि अल्लाह आपके हिस्से में खुशियों का समंदर लिख दे। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, आप जिंदगी में और सक्सीड करें और आगे इतना बढ़े कि आपका खुद का एक न्यूज़ चैनल और खुद का आके हर रोज इंटरव्यू दे। सो ये है इस बार का, ठीक है, गुड। सो हमारे साथ है निकिता एंड गन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड बिफोर आई टेक द कट, मैं आपके साथ शूट पे था आज, एंड देयर इज वन अमेजिंग थिंग, जैसे आप
करण भाई को आवाज देते हो, माय फेवरेट थिंग, मल्होत्रा इधर आना। ओके ओ दैट इज एक्चुअली ना मैं भूल जाती हूँ कभी काम करते, बीच में भूल गई थी कि हम दोनों सेट पे एंड आफ्टर सीइंग करण आई एम लाइक अरे मल्होत्रा तू कहां है, अरे बनी, सो आई कॉल हिम बनी, लाइक बनी तू कहां है यार, तू क्या कर रहा है, रियलाइज ओ वी आर ऑन प्रोफेशनल सेट एंड ही इज एन एक्टर। हम दोनों साथ होते तो वैसे ही भूल जाते हैं क्योंकि हम दोनों सच में, ये तो कुदरत की देन है कि सच में लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं आपको अच्छे लोग, तो लोगों से जुड़ना, अच्छे लोगों से जुड़ना भी आपकी तकदीर है, किस्मत है। एंड मैं सच में इस चीज़ का तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक ऐसा दोस्त मिला है, पूरी इंडस्ट्री में 11 सालों की खोज में एक दोस्त मिला और वो है निकिता शर्मा। तो आज तो मतलब सीन पैक है, दोनों को रात को नींद नहीं आने वाली। आप सभी का इन दोनों के बीच में से मैं भी भागना चाहता हूँ, बने रहे हमारे साथ IN24 में, बहुत सारा धमाल, बहुत सारी मस्ती आने वाली।